ऊंची है भवन, ऊंची है मन, ऊंची है मैया तेरी, अजोई कल्याण तेरी, कल्याणी मेरे जोर बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, जोई ममता से जो घर वे सात सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। चलिए इनके लिए तालियां लगाइए आप लोग। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना। कहाँ है भारत की राजधानी? पटना। ये देखिए भारत की राजधानी पटना बता रहा है। आज बोल ढील दा दौड़ी जानी चील दा तकल बमियात हाउ वाला पील दा। ये देखिए भोजपुरी के अश्लील कलाकार। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत गंगा नदी। गंगा नदी, देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। और आप अभी 8 में बोले जी। तो अच्छा से पढ़िए। आप लोग क्या बनना है आगे जाके? आईपीएस बनना है। चलिए आप आईपीएस बनिएगा। और मेरा शुभकामना आप लोग के साथ कि आप लोग आईपीएस बनिएगा। आप क्या बनिएगा? फौजी बनिएगा। चलिए आपको भी दिल से धन्यवाद है कि आप फौजी बनिएगा। आप जय हिंद। मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हमें गांव में है, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे से मिलते हैं। देखिए लोग कैसे पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं। हम जब गांव में आते हैं तो बच्चों से मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो आइए कुछ बच्चों से हम बात करते हैं कि इन लोगों का पढ़ाई पर ध्यान रहता है या कुछ और पर ध्यान रहता है। इधर एक बच्चा है, क्या नाम हुआ आपका? दिलखुस कुमार। पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? हिंदुस्तान कोचिंग में। कहाँ? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में पढ़ते हैं। तो अभी गांव में आप आए हैं। सरकारी कॉलेज में पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते हैं? सेवन में पढ़ते हैं। तो सेवन में आप चले गए हैं तो आपको मतलब कि जनवरी फरवरी ऐसे पूरा देश का राजधानी तो आता होगा जी। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना। कहाँ है भारत की राजधानी? पटना। ये देखिए भारत की राजधानी पटना बता रहा है। भारत की राजधानी पटना है कि दिल्ली है? नई दिल्ली है। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। कितना दिन होता है? कितना दिन होता है? 365 दिन। 365 दिन होता है। इधर भी एक बच्चा है, क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार पढ़ते हैं? हाँ। कौन क्लास में? यूकेजी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? संस्कार पब्लिक स्कूल में। सरकारी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं। सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? इधर जाते हैं तो मारता है। पढ़ाई होता है कि ना सरकारी में? नहीं होता सरकारी में पढ़ाई, इसलिए आप नहीं जाते हैं। नहीं। कैमरा इधर लाइएगा और देखिए, ये बोल रहे हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा पढ़ते होते क्या? और गाना भी गाते हैं कुछ? गाना भी गाते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, गाना सुनाइए तो। आज बोल ढील दा दौड़ी जानी चील दा तकल बमियात हाउ वाला पील दा। ये देखिए भोजपुरी के अश्लील कलाकार। आप लोग इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं कि बच्चे के मुंह पे याद है। इधर भी कुछ बच्चा है, इधर कुछ बच्चों से मिलेंगे। देखिए ये सब अश्लील गाना गा रहे हैं। अच्छा ये सब अश्लील गाना आपको कौन सिखाता है? मोबाइल देखते हैं। अच्छा अश्लील गाना इतना सुनते हैं, अश्लील गाना याद कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई में मतलब कुछ याद होता है कि ना होता है? यस होता है। कौन क्लास में बोले थे? यूकेजी में बोले थे। अभी यूकेजी में है आप? हाँ। सरकारी में कितना में है? छठा में। सरकारी में छठा में, प्राइवेट में यूकेजी में। ये देखिए संस्कार पब्लिक स्कूल में मतलब यूकेजी में है, सरकारी में छठा में। बताइए यूकेजी में है संस्कार पब्लिक स्कूल में और अभी सरकारी में आप छठा में। आपको भी कोई गाना आता है? नहीं आता है। गाना सुनाइए। क्या गाना? नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। अच्छा हाँ क्या गाना गाइए? और गाइए क्या? ऊंची है भवन, ऊंची है मन, ऊंची है मैया तेरी, अजोई कल्याण तेरी, कल्याणी मेरे जोर बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, जोई ममता से जो घर वे सात सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। चलिए इनके लिए तालियां लगाइए आप लोग। देखिए इतने अच्छे गाने गाए आप, मतलब इतने अच्छा ये गाना गाए, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपको भी कोई गाना आता है? नहीं आता है। गाना आपको भक्ति उक्ति गाइए? नहीं आता। गाइए भक्ति उक्ति। हाँ गाइए गाइए नहीं आता है। नहीं आता है। इधर भी एक बच्चा है, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। पढ़ते हैं जी? कौन क्लास में? 8th class में। 8th class में। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं। ओ प्राइवेट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। सरकारी में आप 8th class में पढ़ते हैं जी। बता दीजिए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत गंगा नदी। गंगा नदी, देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28।
बहुत अच्छा, दिखाइएगा फ्रेम इधर दिखाइएगा। देखिए ये गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं और गांव से निकलकर बहुत सारे लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। इन सभी बच्चों से मिलने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि इन लोगों को पढ़ाई हम देखते हैं कैसा इन लोगों का पढ़ाई चल रहा है। तो ये बच्चों तो काफी अच्छा जवाब दिए। आइए गाना जो गा रहे हैं, इनका गाना भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं, इधर उधर देखिए टहलते रहते हैं अभी रोड पर, तो हम अभी यहाँ पे देखे तो इन लोग से मतलब मिल लिए कि मतलब ये लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इन लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा। और आप अभी एट में बोले जी, तो अच्छा से पढ़िए। आप लोग क्या बनना है आगे जाके? आईपीएस। आईपीएस बनना है, चलिए आप आईपीएस बनिएगा। और मेरा शुभकामना आप लोग के साथ कि आप लोग आईपीएस बनिएगा। आप क्या बनिएगा? फौजी। फौजी बनिएगा, चलिए आपको भी दिल से धन्यवाद है कि आप फौजी बनिएगा। आप फौजी बनिए और मेरा सब शुभकामना है आपके साथ कि आप फौजी बनिए। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, मैं थे आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।